इस साल दीपावली त्यौहार मनाने को लेकर पंचांगों में मतभेद है। कुछ पंचांग 31 अक्टूबर को तो कुछ 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाने की बात कह रहे हैं, जिससे संशय की स्थिति बनती दिख रही है। इसे लेकर इंदौर में प्रदेश स्तर पर ज्योतिषी पुजारी और शोध अध्येताओं से चर्चा की निर्णय के बाद ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रभूषण व्यास ने बताया है कि अमावस्या तिथि को लेकर ऐसी स्थिति बनी है। बैठक में तय हुआ है कि लक्ष्मी पूजन 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इसके साथ ही इस दिन प्रदोष काल में आयुष्मान योग भी है, जो दीपावली को मनाने में उचित है। इसको मना रहे हैं नहीं, व्यापारियों का मतलब है तो वहाँ उनका, क्योंकि उनको निर्णय लेने का, क्योंकि पर्व का निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास ज्योतिषकार के पास है, पर्व का निर्णय लेने के बाद पंचांग के पास है, और पर्व का निर्णय लेने के बाद वहाँ के स्थानीय जो ब्राह्मण है, स्थानीय ज्योतिषी है, उन लोगों को पर्व का निर्णय लेने का अधिकार है। क्योंकि इन्होंने ये कहाँ से सुन लिया कि 31 अक्टूबर, हमारे ज्योतिषकार आनंद शंकर व्यास जी ने 31 अक्टूबर लिखे है, लेकिन वो प्रदोष व्यापनी अमावस्या नहीं होने के कारण वो पर्व समुचित रूप से ठीक नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों से निवेदन है, हमारे व्यापारी वर्ग से, कि धन समृद्धि, सुख समृद्धि, आयुष्य और इन सबके यदि कारक यदि मिलेंगे तो आपको वो सिर्फ 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को ही मिलेंगे, स्वाति नक्षत्र में ही। सभी व्यापारी वर्गों को मनाना चाहिए, यही प्रशस्त माना जाएगा।